हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ैफा स्पोर्ट्स टॉक और नाजरीन, अरशद नदीम ने शानदार परफॉर्मेंस के साथ गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। उन्होंने गुयाना के पीटर को हरा दिया। जैसा कि मैंने आपने मेरे दोपहर को वीडियो भी देखी थी, उसमें मैंने कहा था जो भी गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 90+ मारनी पड़ेगी। उस वीडियो में मैंने ये तो कहा था कि उनके 99% चांसेस हैं पीटर के जीतने के, जो कि उन्होंने अपनी सेकेंड लास्ट थ्रो उसके साथ दिखाया भी। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है ना डायरेक्ट फाइनल्स हो रहे हैं, फाइनल्स में जो है वो कुछ भी हो सकता है। ऑन द डे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। तो अगर ऑन द डे कोई अच्छी परफॉर्मेंस में हो और कोई जिस स्लैम में जिस तरीके से अरशद नदीम ने परफॉर्मेंस दी, पहली थ्रो देख लें तो उन्होंने अपनी बेस्ट थ्रो बीट किया, 86.80 मीटर किया। उसके बाद कुछ थ्रो छोड़ के थर्ड थ्रो में उन्होंने 88 मीटर मारा, और आखिरी सेकंड लास्ट थ्रो में जब प्रेशर सारा उनके ऊपर था और उन्होंने शानदार थ्रो मारी पीटर ने, उन्होंने 90 मीटर क्रॉस करके पहले साउथ एशियन प्लेयर बन गए जिन्होंने 90 मीटर का क्रॉस किया है। शानदार विक्ट्री। और इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स के पाकिस्तान का सफ़र अख्ताम हुआ। पाकिस्तान ने 2 गोल्ड अरशद नदीम और नूर दस्तगीर भट्ट की वजह से जीते, जबकि 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भी पाकिस्तान के खाते में आए। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स की अपडेट दे सकूं, लेकिन ये सफ़र कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं ख़त्म होगा। इंशाल्लाह कल से इस्लामिक गेम्स शुरू हो रही हैं। इंशाल्लाह इस्लामिक गेम्स के बारे में भी आपको मैं ज़रूर अपडेट दूंगा। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं देखी देख सकी और आप उनको चैनल का पता लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस चैनल तक पहुंच सकें। और इंशाल्लाह आपसे कल से इस्लामिक गेम्स की कवरेज के साथ मिलते हैं। तब तक का अपना बहुत ख्याल रखिए, आज की खुशी मनाएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।